शुभ मुहूर्त पर होगा होलिका दहन। प्रबुद्ध जनों ने शांति पूर्वक होली मनाने की अपील की। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम का छापा, 3500 रुपए की खाद्य सामग्री नष्ट। और वारा सिवनी बोतल कसा में घर में घुसा तेंदुआ, हुई मौत। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रंगों के त्योहार के तौर पर मशहूर होली का त्योहार फाल्गुन महीने में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। हिंदू धर्मावलंबियों का पर्व कहा जाने वाला होली पर्व नगर के अलावा समूचे जिले भर में धूमधाम से मनाया जाता है और इसी तर्ज पर गुरुवार रात को होलिका दहन कर इस पर्व को धूमधाम से मनाया गया। होली का त्योहार मनाने वाले लोग अपने घर वापस लौट रहे हैं, जिसके चलते बस स्टैंड पर यात्री बसों में यात्रियों की भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दी। रंगों का पर्व होली को शांति पूर्वक मनाने की अपील स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध जनों ने आम लोगों से की है। उन्होंने कहा कि होली का पर्व रंग बिरंगे रंगों के साथ खुशियां लेकर आता है, लेकिन कुछ हुड़दंगियों द्वारा इस पर्व में नशे का सेवन कर अशांति फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों पर पुलिस से कार्यवाही करने की भी मांग प्रबुद्ध जनों ने की है। उन्होंने कहा कि होली में पानी का दुरुपयोग न कर गुलाल लगाकर सूखी होली खेले और होलिका दहन के लिए हरे भरे पेड़ों को नुकसान न पहुँचाए। सबसे पहले मैं तो ये हमारा पारंपरिक त्यौहार है, पूरे भारतवर्ष में नहीं अन्य देशों में भी जहाँ जहाँ हमारे भारतीय नागरिक हैं वहाँ वहाँ होली मनाई जाती है। और सभी मेरे भारतवासियों से, देशवासियों से, ग्रामीण वासियों से यही संदेश देना चाहता हूँ कि होली बड़े शांति प्रिय ढंग से मनाएं और जो हमारी पारंपरिक जो होली है उसको उसी अंदाज में मनाएं। हमारे ज़िले वासियों को तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी पत्रकारों को और सभी जनता जनप्रतिनिधियों को भी होली की शुभकामनाएं, माता बहनों को भी शुभकामनाएं। बस हमारा संदेश यही है कि बालाघाट ज़िला बड़ा शांतिपूर्ण ज़िला है और हमारे बालाघाट ज़िले में सभी सद्भावना के रूप में हर त्यौहार को मनाया जाता है। तो हमारा लोगों से यही अपील है कि इस त्यौहार को भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए और सद्भावना और प्रेम बना के रखें। होली त्योहार के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेश डोंगर, वाजिद मोहिब और संध्या मार्को की टीम द्वारा गुरुवार को बालाघाट शहर की सभी प्रमुख मिठाई की दुकानों बीकानेर मिष्ठान, वैशाली राजपुरोहित, मधुर कलश, इंदौर स्वीट्स, आनंद स्वीट्स और अन्य स्वीट स्टोर में निगरानी के कुल 42 नमूने जाँच किए गए, जिसमें मावे की बर्फी, पेड़े जलेबी, लड्डू, नमकीन, छेना, काजू की बर्फी इत्यादि की जाँच की गई। त्योहार के दौरान समस्त खाद्य सामग्री ताज़ा एवं ढक कर बेचने के निर्देश दिए गए। वारासिवनी क्षेत्र के बोदलकसा ग्राम में गत रात्रि ग्राम के यादव राव बिसेन के घर पर अचानक 10 बजे के आसपास घर के ही सामने से हिंसक प्राणी दो तेंदुए एक साथ प्रवेश कर गए। घर के लोग अभी कुछ समझ ही पाते उसके पहले ही एक तेंदुए ने एक बकरी लेकर घर के सामने से भाग गया, लेकिन दूसरे हिंसक प्राणी तेंदुए को किसी तरह घर के ही एक कमरे में कैद कर लिया गया। रात्रि से ही वन विभाग की टीम द्वारा तेंदुए को पिंजरे में कैद कर दल बल के साथ वारासिवनी के लिए लाया जा रहा था। इसी बीच तेंदुए की हालत बोदलकसा और खापा के बीच बिगड़ती देख उसे वहीं आवश्यक ट्रीटमेंट दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि तेंदुए की उम्र 10 साल से ऊपर की है और वो भूखा था, जिसके कारण वो कमजोर हो चुका था। बहरहाल उसे पूरी व्यवस्था के साथ वारासिवनी ले जाया गया, जहां उपचार के बाद तेंदुए की मौत हो गई। अपन अंदर में सोए थे, मम्मी पापा लोग बाहर में सो रहे थे। हाँ, तो कैसा पता चला कि तुम्हारे यहाँ तेंदुआ घुसा? अंदर में बकरी बंदी थी तो हमने सोचे कि कोई कुत्ता आया होगा, कोई लाइट चालू करके देखे तो हमको तेंदुआ दिखा और एक बकरी को भागते हुए दिखा, यानी कि दो तेंदुए आए थे, एक बकरी को लेके भागा, दूसरा तेंदुआ फिर वहीं रुक गया। उसके बाद में हम लाइट जला के मम्मी पापा लोग अंदर कमरे में आ गए, उसके बाद में फिर हल्ला किया तो गांव की पब्लिक आ गई। ऐसा नहीं है, साल में कभी कभी ऐसी घटनाएं होती है, क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले साल लगभग ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसमें जो तेंदुआ है जो बाहर आया है। ये पिछली बार केवल एक भालू था जो बाहर निकल के आया था, लेकिन तेंदुआ का ऐसा प्रकरण मतलब एक दो साल में पहली बार आया है। तेंदुआ जो कि कमरे के अंदर था जिसे देखा नहीं जा सकता था और पलंग के ऊपर था, उसके लिए दीवार में एक छेद किया गया, छेद के माध्यम से उसको देखा गया और उस छेद के माध्यम से उस एनिमल को डार्टिंग की गई। एनिमल बहुत वीक है, 10 से 12 साल की फीमेल है
और अमूमन जिसने 8-10 दिन से खाना नहीं खाया। शहर मुख्यालय में सरेखा से बालाघाट की ओर ईंट भरकर आ रहे ट्रैक्टर चालक ने हनुमान चौक से कुछ दूरी पर मुख्य मार्ग में स्थित जैन ऑटो पार्ट्स दुकान के सामने खड़ी एक स्कूटी और 2 साइकिल को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे स्कूटी और साइकिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय जनों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़ घटना की सूचना 100 डायल पुलिस को दी, जिससे पुलिस ने पहुंच आवश्यक कार्यवाही की। बताया गया है कि हाईवे टायर दुकान में काम करने वाले कर्मचारी राहित बिनरवार निवासी नेत्रा और शक्ति अजीत निवासी कोसमी की साइकिल है और स्कूटी दुकानदार की थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड